क्या? क्या हुआ? अंग्रेजों ने जगह जगह छापे मारकर हमारे बहुत से साथी पकड़ लिए हैं और अब शाही फौजें इसी तरफ आ रही हैं। औरतें और बच्चे यहीं रुक जाएं। बढ़ते हुए दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो तुम ही सेनापति शक्ति की असली माँ हो? हाँ, मैं ही हूँ। और सांगा की बीवी? और तुम? तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन भगवान के लिए इसे छोड़ दे, छोड़ दे इसे। अरे बुढ़िया, इस जवानी का साता अपने बुढ़ापे से करना चाहती हो? पापी, ये माँ बनने वाली है। अच्छा अच्छा, तो इसके पेट में भी देवी का वरदान है? हाँ, देवी का वरदान है। सरकार, क्या है? रियासत के लोगों की बगावत तो अलग, आसपास गांव के लोग भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। जब उनके ठिकानों पे छापे मारे गए तो बहुत से क्रांतिकारी भागकर किले के आसपास वाले जंगल में छुप गए। कुछ मारे गए और कुछ पकड़ लिए गए। लेकिन जो पकड़े गए वो कहाँ है? दरवाजा खोलो। क्रांति जिंदाबाद। अब क्या होगा सरदार? दूसरे साथियों के साथ साथ राधा भाभी और मीनाक्षी को शाही फौजों ने किले में बंद कर दिया है। किले पे हमला होगा। किले का दरवाजा तोड़ने के लिए तोप चाहिए। हुजूर, ये रही तोप और थोड़ा सा बारूद भी है। ये तोप बेकार है, जंग लग गया है, जगह जगह छेद है, चलेगी तो फट जाएगी। जी नहीं, ये तोप चलेगी तो किले का दरवाजा टूटेगा। मगर करीम खान? करीम खान करीम खान नहीं जो तोप न पहचाने। सरदार, ये मेरा कॉल है, मेरा वचन है, किले का दरवाजा जरूर टूटेगा। लेकिन तोप दरवाजे तक पहुंचेगी कैसे? किले के बाहर सिपाहियों का सख्त पहरा है। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शक्ति जी, जैसे ही तुम किले के ऊपर पहुंचोगे ना और फिर मशाल से इशारा करोगे, वैसे ही करीम खान तोप से दरवाजा उड़ा देगा। लेकिन शक्ति किले तक पहुंचेगा कैसे? शक्ति कल तक सेनापति था, वो किले तक पहुंचने वाले हर चोर रास्ते से वाकिफ है। आइए आइए सेनापति जी, स्वागत है आपका। हराम की औलाद। देखते नहीं तुम्हारे युवराज की जान खतरे में है? फेंक दो बंदूकें, फेंक दो, फेंक दी। दरवाजा खोलो, दौड़ो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। साथियों, सिपाहियों से उनके हथियार छीन लो। राधा, तुम्हारा मुन्ना, उसी का नाम भारत है, वही तो क्रांति है। क्रांति, मेरा भारत। बेटी, बेटी, ओ बहू, भारत जिंदा है। शक्ति, शक्ति, मेरा भारत जिंदा है। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। हाँ माँ, सुना युवराज, हमारा भारत जिंदा है। भाभी, युवराज जी की खातिर अच्छी तरह से करना। बाहर साथियों को मेरे इशारे का इंतजार है, मैं भी आया। ये खुलेगा नहीं, टूटेगा। आप लोग पीछे हट जाओ, हट जाओ। क्या है? दोगला भाई, रो क्यों रहे हो? दोगला भाई, अब भाई दोगला भाई, दोगला। अरे दोगला नहीं, दारोगा जी। दोगला जी, क्या कहा? उल्लू के पट्टे दोगला जी नहीं, दारोगा जी। हाँ दारोगा जी, वो देखो, वो क्या है? क्रांति की फौज। क्रांति की फौज है। सिपाहियों, सिपाहियों, इससे पहले कि वो आगे बढ़े,
हम खुद आगे बढ़कर उनको खत्म कर देंगे। चलो ये तो सिर्फ मशाले हैं, कहाँ है क्रांति की फौज? कंगनी में है? जरूर को जाल बिछाया गया है। जाल! ए शाही कुत्तों से इनकी बंदूकें छीन लो। सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा तोड़ना है ना करीम खान ने। दरवाजे का टूटना जरूरी था करीम। मैं जानता था कि ये तोप दरवाजा तोड़ देगी। भाई, दुश्मन भी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछ लेता है। तुम तो मेरे भाई हो, मेरे सरदार हो, तुम नहीं पूछोगे? तुम कहो तो। अल्लाह, दरवाजा टूट चुका है भाई, साथियों को बचा लो। हे भाई, भाई करीम, खुदा हाफ़। करीम, साथी साथी बचाए जाएंगे करीम खान, लेकिन तुमसे साथी कब मिलेगा? सरदार, सरदार, जरा सुनिए सरदार। क्या है? अंग्रेजी फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता उस पहाड़ी की तरफ जा रहा है जहाँ तोपें लगी हैं। क्या? वो तोपें चलेंगी तो चारों तरफ बारूद ही बारूद बरसेगा। तोपों को खामोश करना मैंने आप ही से सीखा है। तुम उस तरफ जाके अपने दूसरे साथियों को खबर कर दो। जी सरदार। और आप जाइए किले की तरफ और मैं जाता हूं उस पहाड़ी पे जहां तोपें लगी हुई हैं। तोपें। पहाड़ियों से अंग्रेजी तोपें बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इधर बारूद नहीं, मौत बरसेगी चारों तरफ। मौत! किले के अंदर ये सब लोग मारे जाएंगे और किले के बाहर मारे जाएंगे इनके छुपे हुए क्रांति, इनके छुपे हुए क्रांति। हमारे चाहते ही अंग्रेजी फौजों का मशाल के जरिए बारूद बरसाने का इशारा कर देना।
मुन्ना कहाँ है? मुद्दत हो गई, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मगर सरदार, तुम्हारा बेटा जिंदा है। भारत, वो क्रांति। मैंने राधा को भी बताया है। कहाँ है राधा? शक्ति मीनाक्षी कहाँ है? शंभू सिंह उन्हें चोर रास्ते से महल की तरफ ले गया है। आवाज हमारे महाराज के कातिल भाई शमशेर सिंह की है, इससे बदला लेना होगा। चलिए, मैं अकेला ही काफी उन सब के लिए। अगर तुम जाओ, अपने साथियों की रक्षा करो, अपने भाई का साथ दो, ये मेरा हुक्म है। किसने मारा हमारा सिपाहियों को? शमशेर, बोलो शमशेर सिंह, हमारे महाराज का खून किसने किया था? आप जिसे माँ जैसे कहते हैं, वो माँ जैसी नहीं, वो आपको जन्म देने वाली आपकी माँ शक्ति। हाँ, हम दोनों उसी सरदार सांगा के बेटे हैं। हाँ बेटे, ये सच है। मुझे भीमा की पत्नी ने बताया। माँ, मुन्ना, 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 बेटे। हाँ? मीनाक्षी ने कसम देकर हमें यहाँ भेज दिया और खुद वहीं रह गई तेरे बाबा के लिए। लेकिन बाबा कहाँ हैं? आप उनकी चिंता ना कीजिए। बहू, तुम इस हाल में उनके साथ क्यों नहीं गई? अगर मैं आपको छोड़कर चली जाती तो आपके बेटे को क्या जवाब देती? लेकिन शक्ति और उसकी माँ तुम्हें इस हाल में छोड़कर गए कैसे? तब मैं ठीक थी। तो चारों तरफ है बहू, चलते हैं। आग के इन शोलों से दूर कहीं तो जगह मिलेगी जहां बच्चे का जन्म आराम से हो सकेगा। Thank you.
भू सिंह। तोपें खामोश हो गई और ये कुत्ते भी मर गए। आप ठीक तो हैं ना? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू इस हालत में क्यों आया है? याद है आपने एक दिन कहा था अगर मिट्टी से फायदा पहुंचे हाँ? तो एक दिन इसका कर्ज चुका देना। अरे पगले, कर्जा तो तू कब का चुका चुका है रे? शक्ति चल चले, माँ राह देखती होगी, बाबा इंतजार करते होंगे। चल भैया चल, चलते चलते।